मेरी बात सुनिए भूतों के वैद्य, इस मैटर पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले लड़की को बुलाइए, मुहूर्त बीता जा रहा है। भूतों के बारे में बात करता हूँ तो समय का पता नहीं चलता। सुनो, जाके भूतनी को बुलाओ। नहीं मतलब लड़की को बुलाओ। टेंशन मतलब मुंह में मच्छर घुस जाएगा। लड़की पसंद आई क्या? घर के बड़ों से बात करके मुहूर्त निकलवा लेते हैं, ठीक है? पापा मुझे इनसे बात करनी है। जरूरत नहीं है, सगाई के बाद बात कर लेना। वो कुछ बात करना चाहती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। सही है, वैसे भी सगाई के बाद तो रोज बात करें। अबे तू चुप कर यार, आप बात करना चाहती है ना, चलिए ना। आइए। बैक सुपर्ब है। हाय। मुझे कोई भी बात स्ट्रेट और फ्रैंक करना पसंद है। मैं ये आठवां रिश्ता देख रही हूँ और आप? सोलहवां। मेरे इतने सेक्सी होने के बाद भी सबके मुझे रिजेक्ट करने का कारण है मेरा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और मेरी जॉब। वैसे मैं कौन सी जॉब करती हूँ पता है ना? पुलिस कांस्टेबल। वैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? 10th स्टैंडर्ड। पास हो या फेल? फेल। पहले कभी किसी से प्यार किया है आपने? मैंने तो दो लोगों से प्यार किया है, लेकिन यू नो उन दोनों के कारनामों की वजह से एक का पैर और एक का हाथ काट दिया था। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हम दहेज नहीं देंगे, और मांगोगे तो खाल उधेड़ दूंगी। तो चलो अब बताओ, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? क्या समझता है तू अपने आप को? हाँ? इसे क्या हुआ? आपसे तू पे आ गई। अपने आप को शाहरुख खान समझते हो क्या तुम? तू और तेरी बकवास दाढ़ी। खुद तो 10th भी पास नहीं किया है और मुझे रिजेक्ट कर रहा है। बोलते वक्त हकलाता है। डांट क्यों रही है आप? सिर्फ डांटूंगी नहीं, मार दूंगी तुझे। रुक रुक कर बोलने वाले, तुझमें इतनी हिम्मत कि मुझे ना कहेगा? रुक जाओ। ऐसे अचानक चुप क्यों हो गए? मैं पसंद हूँ या नहीं? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। क्या समझता है तू अपने आप को? अरे तू कोई शाहरुख खान है क्या? रसगुल्ले जैसी लड़की ने हाँ कह दिया और तुझे टाइम चाहिए? क्या कमी है लड़की में? चल बोल। वो मुझे पसंद तो है यार, लेकिन उसका कैरेक्टर लड़कों की तरह है। गुस्सा आया तो मारेगी, वो भी डायरेक्टली मुझसे कह दिया, जानता है तू? अरे पागल कहीं का, मारेगी सोचकर शादी से इनकार कर रहा है? अरे शादी के बाद पत्नी के हाथों पति का पिटना कॉमन है भाई। इस दुनिया में शादीशुदा इंसान किसी न किसी परिस्थिति में बीवी के हाथों मार खाता ही है। अगर वो मना करता है तो वो पक्का झूठ बोल रहा है। मैं समझ गया, ये निशान देखा तुमने? बाहुबली दूसरी बार नहीं दिखा पाया तो चिमटे से मार दिया उसने। हालांकि बाद में सॉरी भी कहा, चोट की वजह से दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन उस चांदनी रात में जो रोमांस हुआ, सीरी के हाथों मार खाने के बाद जो रियल रोमांस आता ना, उसका किक ही अलग है यार। पोएटिक वे में कहूँ तो बीबी से हारने में ही जीत है। राजू तेरे लिए वही लड़की सही है। सुन, ज्यादा सोच मत, वो लड़की हिम्मत वाली है और तू है डरपोक, करेक्ट मैच है। हाँ कह दे। पक्का? हाँ बोल दूँ?
ए भाई कितनी तेज धूप है, 3 आइसक्रीम मारना। 3 क्यों यार? 2 मेरे और 1 तेरे लिए। ये लीजिए सर। दे। ए, रुक रुक। अगर पास आई तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कर दे, मुझे क्या है? जो चेन चुराई है उसे लौटा दे, इसके साथ जो चाहे वो कर। ये क्या है जी, मेरे गले से ज्यादा आपकी चेन जरूरी है? हाँ बिल्कुल है। ए जल्दी मारे से और चेन वापस कर। अरे तू कैसी पुलिस वाली है, सोचा था इस पर चाकू रखूंगा तो डर कर चेन छोड़ देगी, इसका गला काट कर तुझे चेन लौटा दूं और उसके बाद मैं आराम से जेल चला जाऊं। अरे पुलिस वाली तुम यही सोच रही हो ना? अरे मैं क्या तुम्हें इतना बेवकूफ दिख रहा हूँ? तो एक काम कर, इसे मार कर चेन लेकर भाग जा। अरे कमाल करती है, इतना अन्याय, मैंने कौन सी गलती कर दी जो ऐसा बदला ले रही है? अपनी फैमिली के बारे में मैंने कितने सपने देखे पता है, आपकी फोटो देखते मुझे आपसे प्यार हो गया था। ऐसा था तो फिर टाइम क्यों मांगा? टाइम मांगा था लेकिन कब, मेरे चेन चुराने से पहले या बाद में? तू चुप कर, बीच में ही। सुनिए मैं स्लो हूँ लेकिन आप तो सुपर फास्ट हैं, आपको गुस्सा आने पर आप मारती हैं, मुझे मार खाने से डर लगता है, कभी खाई नहीं है ना, लेकिन अब तो वो डर भी नहीं रहा क्योंकि बीवी से मार खाने के बाद रोमांस बढ़ जाता है, ये बात किसने कही थी? नमस्ते मैडम। सो मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो? हाँ। तो शादी के बाद मार खाने के लिए भी रेडी रहना। अरे डर, ये शादी मार खाना और ये इस तरह शर्मा क्यों रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है? पुलिस वाली मुझे बताओ। मैं बताती हूँ। इतनी जोर से मार दिया। चल चेन वापस कर। ये ये लीजिए आपकी चेन। थैंक्स बेटी, तुमने वक्त पर आकर हमारी रक्षा की। चलते हैं बेटी। तो हम शादी कब कर रहे हैं? अब जब कहो तब। ए बुढ़िया, क्या बना रही है? चल पानी दे। एक काजू, वो क्या है? ए, ऐसे शुशु क्या कर रही है, क्या है ये? चलो बताओ कौन है। काजल? प्रियंका? आयुषु बेटा। मेरा बच्चा आयुषु। मामा जी कॉल मी ऐश। ओके ऐश, कब आई तुम और इतनी सडनली कैसे? कल इसका बर्थडे है ना, मामा जी के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे, मामा जी को बिना बताए सरप्राइज देंगे, ये बोल बोल कर इसने मेरी जान खा ली। मेरी बच्ची मुझसे इतना प्यार करती है। मामा जी मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स चाहिए, बहुत सारी ड्रेसेस चाहिए। ठीक है बेटा, सब दिला दूंगा।